तो हैुड न्यूज़ है सी बी एल यू यूनिवर्सिटी की थर्ड सेम की डेट शीट भी ऑलरेडी आ चुकी है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन है कल ही जारी हुआ था लेट इवनिंग में तो ये डेट शीट है थर्ड सेमेस्टर की ए, री अपीयर और इम्प्रोमेंट की ठीक है सबसे पहले यहाँ पे बी ए थर्ड सेम की दी गई है री अपियर और इम्प्रोमेंट के स्टूडेंट के लिए टू पी एम टू फाइव पी एम इनके एग्जामिनेशन होंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और जो एग्ज़ामिनेशन है वो तेरह फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं उसके बाद जो डेट शीट है वो देख लेते कौन सी है उसके बाद है बी कॉम थर्ड सेमेस्टर की बी कॉम की मेन रीअपियर और इम्प्रूवमेंट टू पी एम टू फाइव पी एम एग्ज़ामिनेशन होंगे और तेरह फरवरी से ये भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं ओके उसके बाद देखते हैं तो ये है बी एस सी थर्ड सेमेस्टर की रीअपियर और इम्प्रूवमेंट ओनली ठीक है यहाँ पे टू पी एम टू फाइव पी एम में एग्ज़ामिनेशन होंगे और तेरह तारीख से ये भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट डेट शीट तो नेक्स्ट डेट शीट है यहाँ पे बी एस सी ऑनर्स मैथेमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर ये तीनों की है मेन री अपियर और इम्प्रोमेंट एग्ज़ामिनेशन जो होंगे वो इवनिंग सेशन में होंगे टू पी एम टू फाइव पी एम और जो डेट या शेड्यूल रहने वाला है वो है तेरह फरवरी से ओके उसके बाद है बी बी ए थर्ड सेमेस्टर ये भी तीनों की है मेन रीअपियर एंड इम्प्रोमेंट टू पी एम टू फाइव पी एम एग्जामिनेशन होंगे और तेरह फरवरी से ही ये भी स्टार्ट होने जा रहे हैं उसके बाद है बी सी ए थर्ड सेमेस्टर ये भी तीनों की है मेन रीअपियर एंड इम्प्रोमेंट और टू पी एम टू फाइव पी एम एग्ज़ामिनेशन होंगे तेरह फरवरी से उसके बाद है बी एल एल वी फाइव ईयर्स जो कोर्स होता है थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट है तीनों की मेन रीअपियर एंड इम्प्रूवमेंट और नाइन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी एग्जामिनेशन होंगे मॉर्निंग सेशन में और तेरह फरवरी से ये भी एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं उसके बाद है लास्ट डेट शीट ये है एल एल बी थ्री ईयर्स एल एल बी ओनर्स हैं थर्ड सेमेस्टर मेन रीअपेयर इम्प्रूमेंट टू पी एम टू फाइव पी एम एग्जामिनेशन होंगे और तेरह फरवरी से ये भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं ठीक है थीके? तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ को जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं Thanks for watching.